Chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. प्रीवियस पीरियड में मैंने आपको एंगल्स के बारे में स्टडी करवाया था. अभी हमारी एक्सरसाइज 5.3 का एक्सरसाइज 2 कर रहे हैं हम. इसके पहले हमने एक्सरसाइज 5.3 की एक्सरसाइज 1 की थी, मैच द फॉलोइंग. ओके, अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2. क्लासीफाई ईच वन ऑफ द एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, स्ट्रेट और रिफ्लेक्स. हमें एंगल्स ड्रॉ करके दिए हुए हैं. हमें बताना है कि ये दिया हुआ एंगल ये चारों में से कौन सा है. तो ये क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल मतलब कौन सा, ऑब्ट्यूस. ओके, तो ये आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो और इसके पहले मैंने मैच वाले टॉपिक में भी सारा लिखवाया था, तो भी एक बार रिवाइज कर देते हैं. एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस मीन्स मोर देन 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल मीन्स एग्जैक्ट 90 डिग्री, स्ट्रेट मीन्स एग्जैक्ट 180 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल मीन्स मोर देन 180 डिग्री. अब ये एंगल देखकर ही पता चले कि ये एंगल लेस देन क्या है, लेस देन 90 डिग्री. तो ये किस टाइप का एंगल बना, लेस देन 90 डिग्री, मतलब ये हुआ एक्यूट एंगल. ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा है. दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, तो इसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल. अब नंबर 3, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, फिगर है. Sure.
पढ़ा रही हूँ, तो टेक्स्ट बुक आपके पास है तो उसी में से स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। एक्सरसाइज 5.4 की एक्सरसाइज 1 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ
Number 1. The measure of an acute angle less than 90 degree. True. Acute angle का measurement कैसा होता है? 90 से छोटा. The measure of an obtuse angle is less than 90. No. इधर greater आना चाहिए था. Wrong. Third number. The measure of a reflex angle greater than 180 degree. Yes. Reflex angle की definition हमको पता है. कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. तो ये ग्रेटर देन मतलब मोर देन 180 डिग्री. तो आंसर ट्रू. फोर्थ नंबर द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा सर्कल मतलब टू हाफ. तो 180 360 पूरा सर्कल बन जाता है 360 डिग्री पर. तो आंसर है ट्रू. नाउ नंबर 5. मैंने जो एंगल्स के मेजरमेंट लिखे हैं आप उसके अलावा
चाहिए, 90 से छोटे भी नहीं होने चाहिए और 90 भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट 90 डिग्री इज अ राइट एंगल. तो 91 से हम स्टार्ट कर सकते हैं. कहाँ तक? 179 डिग्री तक. बीच में जो भी नंबर्स आते हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो. अब क्वेश्चन 4 में हमें इस तरह का दिया है कि एंगल ड्रॉ किए हुए हैं और हमें उसके मेजरमेंट लिखने हैं. तो मैं आपको वर्कशीट में इस तरह के सम दूंगी कि मैंने प्रोटेक्टर से पूरे एंगल्स ड्रॉ किए हैं और आपको भी प्रोटेक्टर से मेजरमेंट लेकर उसका सिर्फ मेजरमेंट लिखना है. ऑलरेडी एंगल मैंने ड्रॉ किए हुए, आपको उसका लिखना है ओनली मेजरमेंट. तो ये टॉपिक मैं अभी इधर नहीं करवा रही हूँ, तो इसके आगे का टॉपिक अब हम कर रहे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स का टॉपिक, जो डायरेक्ट एक्सरसाइज आ गई हमारी 7. बाकी बीच में जो सारे एंगल्स का है वो प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करने का है, कि मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है तो आपको मेजरमेंट फाइंड करना है. ओके, तो वो मैं वर्कशीट में आपको दूंगी, जब आप करोगे. तो डायरेक्ट अब मैं एक्सरसाइज 7 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स का टॉपिक ले लेती हूँ. ठीक है, नंबर 1 है हमारा. फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्या? ऑब्ट्यूस, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, एक्यूट, स्ट्रेट एंड राइट. वन टाइप ऑफ डेफिनेशन भी हो गई. ओके, एन एंगल हूज मेजरमेंट इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल. Now number 3.
measures of two angles is that of a right angle. Number third, an angle whose measure is sum of the measure of two right angles मतलब plus SUM, sum मतलब plus right angle मतलब 90 दो right बताया है कि सपोज एक 50 डिग्री का एक्यूट एंगल है
तो उसकी दूसरी पैर हमें ढूंढनी है और हमें टोटल स्ट्रेट एंगल मतलब टोटल 180 है, तो 180 में से हम 50 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 130 डिग्री, दैट मींस इट्स अ ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो आज हमने सिलेंडर लेंथ तक एक्सरसाइज 5.4 में एक्सरसाइज 7 तक किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज आगे लिखेंगे, तब तक जितना लिखा है नोटबुक में अच्छे से लिख दो। थैंक यू।